अस्सलामुअलैकुम। सीवीएस फार्माकोलॉजी में अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडिस। बेसिकली स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडिस कौन सी डिजीज़ कॉज करवा रहा होता है? दैट बेसिकली कॉजेज प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस एंड प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन। अब जॉइंट इन्फेक्शन में ये आर्थराइटिस और ऑस्टियोमेलाइटिस कॉज करवा सकता है। इसके अलावा ये इंट्रावैस्कुलर कैथेटर इन्फेक्शन, सीएसएफ फ्लूइड शंट इन्फेक्शन एंड न्यूनेटल सेप्सिस प्लस पेरिटोनाइटिस कॉज करवा सकते हैं। ये वो सारी डिजीजेज हैं जो कि स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटिस कॉज करवा रहा होता है। सीवीएस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस इज द डिजीज जो कि हार्ट वाल्व्स को अफेक्ट करती है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटिस जो होती है ये ग्राम पॉजिटिव कोकाय होते हैं जो कि क्लस्टर्स फॉर्म में ग्रेप लाइक क्लस्टर्स होते हैं। इनका कैटलीज पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये जो H2O2 प्रेजेंट इन द न्यूट्रोफिल्स होते हैं उसको डिग्रेड करवा देते हैं इनटू द वाटर एंड ऑक्सीजन। और कॉगुलीज नेगेटिव होते हैं, मतलब ये नॉन हीमोलाइटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये कोई भी कोगुलेज एंजाइम को एक्टिवेट नहीं कर सकते। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ह्यूमंस इनके रिजर्वायर्स होते हैं, इनका जो फ्लोरा होता है नॉर्मल वो प्रेजेंट होता है इन द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन। और एपिडर्माइटिस जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये हमारे पास क्या है, प्रोस्थेटिक वाल, प्रोस्थेटिक मतलब ये जॉइंट्स बेसिकली हॉस्पिटल सेटिंग में अराइज होता है। और ये मोस्टली जो हॉस्पिटल में अराइज हो रहा होता है ना वो इस तरीके से होता है कि जब ये स्किन के ऊपर प्रेजेंट होता है और वहाँ से जब सिरिंज इंसर्ट की जाती है तो स्किन से जो फ्लोरा है वो एंटर हो जाता है इनटू द ब्लड। तो एवी कैथेटराइजेशन में ये ब्लड में एंटर होता है। पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो एस एपिडर्माइटिस जो होता है ये ग्लाइकोकैलिक्स को प्रोड्यूस करता है जो कि जाता है और एडहेयर हो जाता है टू द प्रोस्थेटिक इम्प्लांट मटेरियल लाइक हार्ट वाल्व एंड हिप जॉइंट्स। हॉस्पिटल पर्सन आर द मेजर रिजर्वायर फॉर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एस एपिडर्माइटिस। ये बात तो हमें पता है, जो हॉस्पिटल में जो भी डिजीज या जो भी ऑर्गेनिज्म एंटर होगा बॉडी में वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात की जाए तो ग्राम स्टेनिंग पे जो है इसकी प्रॉपर्टी के ग्राम पॉजिटिव को काइन ग्रेप लाइक क्लस्टर्स मिलेंगे। इसके अलावा जब इसको ब्लड अगार किया जाएगा इसका तो उस पर वाइटिश नॉन हीमोलाइटिक कॉलोनीज मिलेंगी जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि कोगुलेज नेगेटिव है। एस एपिडर्माइटिस जो होता है ये बेसिकली नोवोबायोसिन से जो सेंसिटिव होता है और लास्ट की कोई सीरोलॉजिकल टेस्ट या स्किन टेस्ट जो है अफेक्टिव नहीं है इसमें। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो वेंकोमाइसिन दी जाएगी। वेंकोमाइसिन के साथ या तो रिफैम्पिन देंगे या फिर कोई अमाइनोग्लाइकोसाइड देंगे। इसके अलावा ये बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस कर रहा था इसलिए बहुत सारी एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट होता है। और जो भी आपने डिवाइस लगाई हुई आइदर इट इज़ वाल्व आइदर इट इज़ जॉइंट रिलेटेड या कोई कैथेटर उसको रिमूव करना इंपॉर्टेंट है टू ट्रीट इट। प्रिवेंशन की बात की जाए तो कोई ड्रग या कोई वैक्सीन इसमें यूज़ नहीं है, अवेलेबल नहीं है कि टू प्रिवेंट दिस डिजीज़। तो यहाँ तक हमने स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटिस कंप्लीट कर लिया।